नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। स्टार प्लस के पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी की से घर घर में पहचान बनाने वाली श्वेता तिवारी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है और ऐसे में अब अभिनव कोहली के बाद उनके को एक्टर रह चुके सिजेन खान ने श्वेता तिवारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल सिजेन खान ने श्वेता तिवारी को लेकर कहा है कि वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी। आपको बता दें कि कसौटी जिंदगी की में सिजेन खान ने अनुराग बासु और श्वेता तिवारी ने प्रेरणा का किरदार निभाया था और इसके बाद से ही दोनों कलाकार घर घर में पहचाने जाने लगे थे। हालांकि इस शो के दौरान ही दोनों के बीच की नज़दीकियों की भी खबरें आई थी, लेकिन एक बार सिजेन खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि श्वेता मेरी पहली और आखिरी गलती थी और इसके बाद ही उन्होंने कहा था कि मैं उन पर कुछ भी बोलना नहीं चाहता। सिजेन खान ने यह भी बताया था कि हम दोनों बहुत ही प्रोफेशनल वे में काम करते थे। जब डायरेक्टर कट बोलता था तो हम अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाते थे, लेकिन हम कभी भी सेट पर एक दूसरे से बात नहीं करते थे। और क्या कुछ बोला है सिजेन खान ने श्वेता तिवारी को लेकर, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। प्रोड्यूसर एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी की दर्शकों को बेहद पसंद आया था। घर घर में अनुराग बासु और प्रेरणा का किरदार मशहूर हुआ था। ऑन स्क्रीन दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी शानदार नजर आती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब रियल लाइफ में दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। हालांकि खबरें दोनों के रिलेशनशिप में होने की भी आई थी, लेकिन सिजेन खान ने इस पर कुछ भी रिएक्ट करने से इनकार कर दिया था। सिजेन खान का कहना था कि श्वेता तिवारी उनकी दोस्त तक नहीं है। इंडिया फोरम संग बातचीत में सिजेन खान ने कहा था, मैं कहूँगा कि श्वेता तिवारी मेरी पहली और आखिरी गलती थी, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता। अभी मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है और ना ही मायने रखती है। उनकी तरह मैं ज़िंदगी में किसी को इस तरह नहीं देखूंगा, मैं किसी के इतना करीब नहीं हो पाऊंगा भविष्य में। श्वेता तिवारी और सिजेन खान के बीच काफ़ी अनबन चल रही थी, फिर भी दोनों साथ में शूट करते थे। इस पर सिजेन ने कहा था, हम दोनों ही काफ़ी प्रोफेशनल हैं, कसौटी मेरे लिए उतना ही क्लोज रहा जितना कि श्वेता के लिए रहा। हम दोनों अपने अपने सीन्स करते थे और जैसे ही डायरेक्टर कट बोलते थे हम दोनों अपनी अपनी जगह पर चले जाते थे। हम दोनों ने ही ये बात अच्छी तरह सीख ली थी, हम दोनों ही रोबोट बन चुके थे। हालांकि सिजेन खान ने कबूल किया था कि दोनों के बीच एक समय में दोस्त से ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन अब दोनों ने अपने रास्ते एकदम अलग कर लिए हैं। गौरतलब है कि सिजेन खान टीवी के पॉपुलर शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की में लीड रोल में नजर आ रही हैं, वहीं श्वेता तिवारी जल्द ही स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 में नजर आने वाली हैं। एक्ट्रेस ने साउथ अफ्रीका के केप टाउन में शो की शूटिंग पूरी कर ली है और वो मुंबई लौट चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि श्वेता तिवारी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई हैं। दरअसल श्वेता तिवारी का अपने दूसरे पति अभिनव कोहली के साथ इन दिनों विवाद चल रहा है और उनके पति उन पर लगातार गंभीर आरोप लगा रही हैं। उनके पति अभिनव कोहली का कहना है कि श्वेता तिवारी उन्हें उनके बेटे से नहीं मिलने देती हैं। वहीं श्वेता तिवारी ने कहा है कि जब मैं केप टाउन गई तो मैंने अभिनव को फ़ोन पर बताया था कि हमारा बेटा फैमिली के साथ रहेगा और मैं केप टाउन जा रही हूँ। हालांकि श्वेता तिवारी अपने बच्चों के साथ केप टाउन से ही वीडियो कॉल पर भी कनेक्ट रहती थी। उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। आपको बता दें कि श्वेता तिवारी ने अभिनव कोहली पर घरेलू हिंसा और मारपीट जैसे संगीन आरोप भी लगाए थे। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी खूब सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खूब पसंद किया जाता है, क्योंकि श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी उन्हीं की तरह बोल्ड और काफ़ी खूबसूरत हैं। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने अपनी हाल ही में अपनी माँ के लिए भी एक खूबसूरत नोट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने फादर्स डे के मौके पर अपनी माँ को ही अपना पिता बताया था, क्योंकि श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी की ज़िंदगी में उनका कोई भी पिता नहीं है। राजा चौधरी जो कि श्वेता तिवारी के पहले पति थे, उन पर भी श्वेता तिवारी ने मारपीट और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। हालांकि अभी हाल ही में जब अभिनव कोहली के साथ विवाद चल रहा था तो श्वेता तिवारी के पहले पति राजा चौधरी ने उनका सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि श्वेता तिवारी एक बहुत अच्छी पत्नी, एक बहुत अच्छी माँ है, वो एक बहुत अच्छी इंसान है, मैं कभी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने उनका सपोर्ट करते हुए कहा था कि ये उनकी बदकिस्मती है कि उनकी दोनों में से ही कोई भी शादी नहीं चली, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंसान अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी पत्नी, माँ और एक बहुत अच्छी बेटी हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश करती हैं। आपको बता दें कि अपने दोनों पतियों से अलग होने के बाद श्वेता तिवारी अपने बच्चों की अकेले ही परवरिश कर रही हैं। उनके बच्चों की परवरिश के लिए वो खूब जी तोड़ मेहनत करती हैं और नए नए शोज़ में काम करती हुई नज़र आती हैं, ताकि उनके बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना
ना करना पड़े। श्वेता तिवारी ने घर घर में कसौटी जिंदगी की से अपने एक अलग पहचान बनाई थी। इसके किरदार प्रेरणा को उनके खूब पसंद किया जाता था। श्वेता तिवारी एक ऐसी फैमिली से आती है जो बहुत ही पिछली सोच का था, लेकिन इसके बावजूद भी श्वेता आज जिस मुकाम पर हैं, वे लोग उन्हें उनकी इस काबिलियत के लिए सलाम करते हैं। श्वेता तिवारी 40 की उम्र में भी जितनी फिट नजर आती हैं, इस मुकाम को हासिल करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन श्वेता तिवारी ने ये कर दिखाया है और इसके लिए फैंस उनकी वाकई में तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं। आपको बता दें कि श्वेता तिवारी का हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो दक्षिण अफ्रीका में एक स्टंट रियलिटी शो में रोती हुई नजर आई थी, लेकिन इसको सिर्फ स्टंट रियलिटी शो का ही बताया जा रहा है। दरअसल वो एक शो का सीन शूट करने से पहले काफी डर गई थी और उन्होंने कहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। इस पर फैंस ने उन्हें खूब ट्रोल भी किया था और कई फैंस ने उनकी तारीफ भी की थी। श्वेता तिवारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कई टीवी शोज में काम किया है और अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। श्वेता तिवारी को सबसे ज्यादा पहचान कसौटी जिंदगी की सीरियल ने दी थी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव के साथ। और आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।